हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वाले हैं सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का यूज करेंगे और हम अपना पैसा रिफंड लेंगे अपने बैंक अकाउंट पर। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सहारा इंडिया में पैसे डिपॉजिट किए थे। तो गवर्नमेंट ने रिफंड देना शुरू कर दिया है, जो फिलहाल के लिए चार तरह का सोसाइटी के अंदर आते हैं, जिनमें से एक नंबर पे है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरे नंबर पे है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और चौथे नंबर पे है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया हैदराबाद। इस एप्लीकेशन करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि आपका आधार कार्ड, जिसमें से मोबाइल नंबर अपडेट पहले से होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक होना चाहिए, यानी कि आधार सीडिंग सर्विस एक्टिवेट होना चाहिए, और आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आपने जो डिपॉजिट किए थे उसका सर्टिफिकेट यानी कि डिपॉजिट रिसीप्ट कॉपी भी होना चाहिए आपके पास, तभी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। रिफंड का ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर से वेबसाइट में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप चाहें तो राइट साइड में ऊपर में देख सकते हैं लैंग्वेज, अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज भी सिलेक्शन कर सकते हैं वेबसाइट का। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, अपने आधार का आखिरी 4 संख्या डाल देंगे और अपना मोबाइल नंबर भी वही नंबर एंटर करेंगे जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। और गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे। इसके बाद आप अपना डिक्लेरेशन अच्छी तरह से पढ़ लें। ये डिक्लेरेशन आपका कंसेंट है, यानी कि आप परमिशन दे रहे हैं ई केवाईसी कंप्लीट होने का। जो भी आपका आधार कार्ड में डेटा है, आपका जो भी डिटेल है, वो डिटेल ऑटोमेटिक इस वेबसाइट में सिंक हो जाएगा। तो आप डिक्लेरेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद नेक्स्ट है क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप अपना आधार नंबर इंटर करेंगे जो कि फुल आधार नंबर 12 डिजिट का, और गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, सबमिट करेंगे और वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका जो भी डिटेल आधार कार्ड में है वो डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी फेच हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, आधार कार्ड में जो भी आपका डिटेल है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, वो डिटेल यहाँ पे देख पाएंगे। और जो भी आपका बैंक अकाउंट का लास्ट आधार सीडिंग डिटेल है, मतलब जो भी अकाउंट से आपका सीड हुआ है, उस बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे सिर्फ शो करेगा। मैंने जब ये एप्लीकेशन किया तो मेरे कुछ क्लाइंट का कोई भी बैंक अकाउंट नेम नहीं शो हो रहा था। इस केसेस में ये मतलब निकलता है कि आपका आधार कार्ड से कोई भी बैंक अकाउंट अभी तक सीड नहीं हुआ है। इस केस में आपको आपका जो बैंक अकाउंट है उस बैंक में विजिट करना पड़ेगा और जा करके कहना होगा कि आप मेरा आधार का सीडिंग सर्विस एक्टिवेट कर दीजिए। आपका सर्विस एक्टिवेट हो जाता है, आपके पास कंफर्मेशन के लिए एक SMS भी आएगा। फिलहाल मेरे केस में ऑलरेडी आधार सीडेड है, बैंक अकाउंट का नाम शो कर रहा। आप चाहें तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप क्लेम डिटेल वाले सेक्शन में आ जाएंगे। गाइस, यहाँ पे अब आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये क्लेम सेक्शन है। यहाँ पे अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका रिफंड नहीं आएगा। ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो भी सोसाइटी में आप जमा किए हैं, आप अपने सही सोसाइटी वाला सिलेक्शन करेंगे, गलती ना करेंगे। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फिलहाल गवर्नमेंट रिफंड दे रही है जो कि 4 सेक्शन के अंडर में आता है, तो आप अपना सेक्शन सही सेक्शन को सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप जो भी डिटेल इंटर करेंगे, एग्जाम्पल मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिसीप्ट नंबर, तो ये आपको आपके रिसीप्ट कॉपी जो कि आपका सर्टिफिकेट है वो तब मिला था जब आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था। सर्टिफिकेट पासबुक नंबर 0 रहने देंगे और अकाउंट ओपनिंग डेट जो कि आपका रिसीप्ट कॉपी में जो ओपनिंग डेट रहेगा वो डेट को इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना डिपॉजिट अमाउंट जो कि कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी कहा जाता है वो इंटर करेंगे, और गलती से भी मैच्योरिटी अमाउंट को नहीं इंटर करना है, नहीं तो आपका रिफंड नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे जो गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइंस हिसाब से एप्लीकेशन में डिटेल फिल करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने अपने डिपॉजिट अमाउंट में से कुछ पैसे अगर
रिसीव किए हैं, यानी कि पहले ही पैसे अगर ले लिए हैं तो ठीक करेंगे, नहीं लिए हैं तो ठीक नहीं करना है। सिमिलरली उसी अमाउंट में से अगर कुछ आपने लोन ले रखा है तो आप ठीक करेंगे, नहीं लोन लिया है तो ठीक नहीं करेंगे। और आपका जो सर्टिफिकेट यानी कि रिसीविंग जो आपके पास है उसे यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे आपका जो फाइल है उसका साइज 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों ना वो PNG हो, JPG हो, PDF हो, जो भी हो, साइज एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप एड क्लेम में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका सोसाइटी का नेम शॉर्ट वर्ड में, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, रिसीव नंबर और बाकी का डिटेल शो करेगा। कंफर्म करेंगे, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत किए हैं तो एडिट में क्लिक करके एडिट कर लेंगे। सभी डिटेल अगर सही है और आपको लगता है कि आप एक सोसाइटी से ज़्यादा सोसाइटी में भी आपने डिपॉजिट कर रखा है, यानी कि मल्टीपल सोसाइटी, तो सिमिलरली एड क्लेम में क्लिक करेंगे और उसका भी डिटेल जैसा इसमें आपने इंटर किया था उसमें भी आपको इंटर करना पड़ेगा। अगर आपका एक ही सोसाइटी में इंटर किए थे, एक ही डिटेल है और कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप जनरेट फॉर्म वाले सेक्शन में आ जाएंगे और इसका मतलब ये कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो PDF फाइल में रेडी हो चुका है। तो आप नीचे देख पाएंगे जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। आप इस फाइल को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में से सेव कर लेंगे और इसे एक प्रिंटआउट कर लेंगे। प्रिंटआउट करने के बाद देख पाएंगे वहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट करने का एरिया होगा, जहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो पेस्ट कर देना है और उसमें से एक क्रॉस सिग्नेचर कर लेंगे। आपका सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर से लेकर के बाहर तक करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद जो आपको PDF मिला था यानी कि दो पेज, तो दूसरे वाले पेज में सिग्नेचर भी करना है और प्लेस भी लिखना है। इसके बाद इस दोनों फाइल यानी दोनों पेज को एक ही PDF में फाइल बनाएंगे, page 1 और page 2, और इसे अपलोड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे अपलोड करने से पहले आप एक बार प्रीव्यू में क्लिक करके अच्छी तरह से प्रीव्यू देख लेंगे और कंफर्म हो जाएंगे कि आपका एप्लीकेशन जो आपने फिल किया है बिल्कुल सही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक लगा तो अपलोड वाला सेक्शन में क्लिक करके आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप देख पाएंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पे आप देख पाते हैं क्लेम डेट, जिस दिन का आप एप्लीकेशन सबमिट होगा उसका डेट आएगा, साथ ही साथ क्लेम एक्नोलेजमेंट नंबर भी देख पाएंगे, एप्लीकेशन नंबर। इस दोनों को यानी कि एप्लीकेशन नंबर को आप अच्छी तरह से रख लेंगे और आपको बताया जा रहा है कि आपका जो रिफंड है वो 45 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इन केस नहीं आता है तो इसी रेफरेंस नंबर से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए इस रिसीव कॉपी को अपने पास रख लेंगे। आशा करूंगा आपका रिफंड 45 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन करने से पहले वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि कोई गलती ना करें और उनका रिफंड आ जाए टाइम पर। ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों को उत्तर देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।